सोलन में साउथ बेल स्कूल में स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति पीके खोसला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। खेल प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम में खास बात ये रही कि खेल प्रतियोगिता में जहां एक ओर विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी बच्चों के साथ कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सोलन में साउथ वेल स्कूल में स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शूलनी विश्वविद्यालय के कुलपति पीके खोसला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। खेल प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि खेल प्रतियोगिताओं में जहां एक ओर विद्यार्थियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी बच्चों के साथ साथ कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। अधिक जानकारी देते हुए साउथ वेल स्कूल के फाउंडर ऋषभ चोपड़ा ने बताया कि स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों और अभिभावकों के लिए चेस, कैरम, फुटबॉल और रिले रेस का आयोजन किया, जिसका बच्चों और उनके परिजनों ने खूब आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल और बेकर स्टेट ने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा ली है, ताकि सोलन में कोई भी गरीब भूखा न सोए। वे जल्द ही गरीबों के लिए खाना उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब विद्यार्थी रोग और धन के अभाव के कारण अपना अनमोल जीवन न गंवाए। इसके लिए अभिभावक और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर फैसला लिया है कि वे धन को एकत्र करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। आज का स्कूल का फंक्शन हमारा स्पोर्ट्स कार्निवल था, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों ने एक साथ भाग लिया। सुबह इसके दो सेशंस थे। सुबह पेरेंट्स ने टेबल टेनिस, फुटबॉल, चेस एंड कैरम खेला अपने बच्चों के साथ टीम्स बना के। शाम को हमारी रिले रेसेस थी पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ। बहुत ही फन इवेंट था। एंड आज हमने दो चीज़ें और अनाउंस करी हैं। एक, हमने बेकर्स एस्टेट जो कि पैरागॉन की अपनी बेकरी है, उसके साथ हमने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जो यहाँ की सोशल सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करने के लिए हम साथ में प्लेज ले रहे हैं। हम पीयर टू पीयर लर्निंग के साथ हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए एक एजुकेशन फॉर्मेट बनाएंगे। प्लस हम लोग जो उनके फूड की हम लोग एक फंड रेज करेंगे, जिसमें से हम नीडी पीपल को खाना प्रोवाइड करवाएंगे उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैच के अंदर। सेकंड, हमारा एक स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, उसकी फॉर सम रीज़न अनडिटेक्टेड कोई एक डिजीज़ था उस बच्चे को, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हुआ था उनके पेरेंट्स के से भी। तो एक साल के बाद जब वो सोलन से गई, बच्चा जब ट्रांसफ़र हो गया उसके पेरेंट्स, तो वो बच्चे की डेथ हो गई थी। तो आज हमने प्लेज लिया है कि हम उनकी पेरेंट्स और मिलकर एक स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम के बाद हम सबसेट डिसाइड करके उस बच्चे को उसकी लाभ देंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।